वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ट्रैवल सीरीज का तीसरा वीडियो है और अभी मैं हूँ राजगीर में। तो राजगीर की वादियों में भी हम लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो चलिए घर चलते हैं। अभी देखिए मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी, बैग ले लिया हूँ, पीछे बैग टांग लिया हूँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, मम्मी भी रेडी, और चलिए घर चलते हैं। अभी हम लोग लास्ट ब्रिज जा रहे हैं, तो उसी रास्ते पे हम लोग हैं। पर सिटी जो है ये कुछ मतलब कि इस साइड में जो मेन सिटी था वो उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, बट अभी जो सिटी में अभी हम लोग हैं राजगीर के, जो मेन सिटी से बाहर थोड़ा सा है, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब उसकी यहाँ पे भीड़ उड़ भी नहीं है और बहुत अच्छा है। गाइस देखिए यहाँ पे ये जो टांगा, इसको क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इस जगह पे। गाइस कल किसी की बारात उठी थी रात में लग रहा है। गाइस देखिए इधर से घोड़ा गाड़ी ही है और कुछ दिख ही नहीं रहा है ऑटो के अलावा, ऑटो नहीं घोड़ा गाड़ी के अलावा। ये देखिए लगातार जो है घोड़ा गाड़ी दिख रही है आपको, इसको टांगा कहते हैं, टांगा। अब टांगा मम्मी ने बताया ये जो बिहार का जो लोकल वर्ड है, बट मैं तो उसको घोड़ा गाड़ी कहूँगा। क्या आप लोग इतना फेवरेट है लोगों का? गाइस राजगीर के जो लोग हैं उनको टांगा जो है काफ़ी पसंद है, तो वो लोग सिर्फ घोड़ा मतलब तो टांगा से ही घूमते हैं। टांगा मुझे वर्ड बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है बोलने में, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है टांगा। अभी मैं रोपवे पे आया हुआ हूँ, तो अभी रोपवे पे जाऊँगा ऊपर। और वैसे यहाँ पे ना काफ़ी मतलब दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो पहली चीज़ हम लोग आ चुके हैं, अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा जिसको ग्लास ब्रिज कहते हैं। ग्लास ब्रिज जो यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी बाद में जाऊँगा। पहले यहाँ वाला जो पास पास का एरिया है उस सबको कवर कर लेता हूँ पहले, उसके बाद ही फिर जाएंगे दूर वाले में। गाइस मैं रोपवे की जगह आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा रोपवे। यहाँ पे टिकट बहुत काफ़ी भीड़ है यहाँ पे टिकट लेने के लिए, पर अभी यही रोप पे है, आपको दिख रहा होगा। बस ये देखिए गाइस चलते हैं फटाफट, टिकट लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। गाइस हमें टिकट मिल गई है, 120 का पड़ा है एक टिकट, चलिए चलते हैं अभी। गाइस जो मेरा मन था उस चेयर वाले पे आने के लिए है, बट पापा ने मुझे ऐसा डांटा कि बोले कि ज़्यादा नहीं इस पे चलो, तो मैं केबिन वाले में जा रहा हूँ। चेयर वाले में ज़्यादा मज़ा आता, पर हाइट ज़्यादा उतनी नहीं है तब भी, पर पापा ने बहुत डांटा यार, बोल रहे कि केबिन वाले में जा रहा है, चेयर वाले में नहीं। तो अभी चलिए चेयर वाले में नहीं केबिन वाले में आ रहा है, तो चलिए अभी केबिन वाले में ही चलते हैं। इसकी डर तो लग रहा है अभी, वैसे डरना क्या है, केबिन है तो कवर है ही, तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है, तभी चलिए चलते हैं। गाइस देख के मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही है, क्योंकि हाइट जैसा बहुत ज़्यादा हाइट है और मेरा दिल जो है छोटा सा है, अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी। चलिए चलते हैं गाइस रोप पे ऊपर। मम्मी डर लग रहा है थोड़ा सा, गुनगुन बजाओ, क्या कर रहा है गाइस, चल रहा है रोप पे, ये है जिंदगी, ये देखिए सबका, अरे ये पीछे हेलीकॉप्टर से आधा साथ एक का जो गैंटोक का करेंगे, यही तो है जिंदगी। कोती गाड़ी में हिन्नू छ कोले के इसको कोई भी थोड़ा सा डर तो लग नहीं रहा अभी, बट इतना हाइट देख के ना डर लग रहा है। देखिए सर ये जो केबिन वाला रोप है इसको ज्यादा हाइट पे बनाया गया है एज कम्पेयर टू जो बैठने वाला रोप है, ये नीचे से जा रहा है, ज्यादा हाइट नहीं है, पर इसकी बहुत हाइट है। गाइस ये देखिए पूरा दादा बोझी को दिखाई दे रहा है, मालूम भी नहीं चलता ये रोपे जा रहा है क्या। पापा को डर लग रहा है,
मेरे को भी नहीं लग रहा है नॉर्मल सा चीज ऊपर जाएंगे नीचे आ जाएंगे नहीं गाइस पहले बहुत डर लग रहा था अब नहीं ये देखो ये बैक साइड में देखो तो एक बार मुंडिया में बाहर करके देखो तो बैक साइड मैं इन लोग के बारे में सोच रहा हूँ जो कि अकेले जा रहे हैं ये इन लोग को डर नहीं लग रहा होगा पर डर तो नहीं लग रहा होगा इन लोग को मजा आ रहा होगा ये हाइट देख के ना भाई कोई भी अच्छा अच्छा आदमी डर जाएगा इस हाइट को देख के बहुत ऊंचा है गाइस मेरी मम्मी मदद करते हुए ये बिहार का काफी अच्छा तो रोप है हाँ तो क्या मजा मतलब डर भी लग रहा था इसकी बहुत ज्यादा डर गाइस इतना ऊंचाई पे आके हम लोग पकौड़ी खा रहे हैं ठंड का नामो निशान नहीं है गाइस मम्मी ने है जो अपना शॉल दे दिया है मुझे कि अपना मम्मी फोटो सेशन करवा रही है पीछे पर मैं आपको उससे ज़्यादा अच्छा लुक दिखाता हूँ एक देखिए आपको दम दिल खुश हो जाएगा आपका मतलब मेरा तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मैं सोचा कि मुझे बार बार आना चाहिए यहाँ पर बट अभी आपको मैं लुक दिखे बस ये देखिए लुक इस लुक को आप क्या बोलेगा देख रहे दूर दूर पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको पूरा फिर पूरा खाई उस साइड में और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा मंदिर बना हुआ है जैसे कि इंडियन फ्लैग और जैपनीज फ्लैग दोनों लगे हुए हैं और यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे लोकल से मैंने पूछा तो यहाँ पे जैपनीज लोग भी बहुत आते हैं भूटान से लोग आते हैं और काफ़ी जगह से लोग आते हैं तो काफ़ी अच्छा अभी ऊपर चढ़ गए ना और मस्त फोटो लेंगे गाइस हम लोगों ने एक फोटोग्राफर को हायर कर लिया है वह हमारे यहाँ पे जितने भी फोटोज़ हैं सारे खींच रहा है यहाँ पे बहुत बड़ी बेल भी लगी हुई है तो भी बजेगी और काफ़ी अच्छा लगता है देखते हैं अभी फोटो यहाँ पे कैसी आती है गाइस मैंने फ़ोटो जो है खिंचवा लिया है और अभी काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी मस्त फोटोज़ आई हैं आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा इस वीडियो में जो ऐड करूँगा आप भी देखिएगा गाइस ये देखिए जो सीन बन रहा है यहाँ पे यहाँ पे सीन में क्या बोलोगी बहुत भगवान का बनाया हुआ उनके बारे में क्या कहा जा सकता है गाइस ये फोटो देखिए